Hello students, welcome to Great Booster Maths classes. Today in this video we will discuss about values of trigonometric ratios at some specific angles 30 degree and 60 degree. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि trigonometric ratios की जो वैल्यू है 30 degree पर 60 degree पर कैसे आती है हमारे पास. ठीक है, हमें वैसे याद कर लेते हैं कि साइन 31/2 है, टेन 31/√3 है, लेकिन हम उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम उनको प्रूव कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टाइटल है हमारा आज के इस वीडियो का वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. 45 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए हम अगली वीडियो में पोस्ट करेंगे. अभी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ट्रायंगल की. हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे. यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं एबीसी है हमारे पास. लेट्स ड्रा एबीसी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, राइट हियर लेट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच AB equal to BC equal to CA equal to A unit. हम equilateral triangle ले लेते हैं जिसमें जो side है वो A unit है. तीनों sides equal होते हैं equilateral triangle में. ओके, और हमने consider कर लिया कि वो A unit है. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो equilateral triangle है उसका angle कितने degree का होता है. हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. ठीक है, और हमें 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर वैल्यूज को प्रूव करना है. यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं. ए से बी सी पर एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं और नाम रख लेते हैं ए बी एल्टीट्यूड. ओके, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हम एल्टीट्यूड डालते हैं किसी वर्टेक्स अपोजिट साइड पर, तो उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है और उस पर एल्टीट्यूड भी होता है. ठीक है, और साथ ही साथ इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है. ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री. ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं बाइसेक्टर. ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री. अब हम बात करेंगे ट्राइंगल एबीडी पर. ठीक है, एबीडी ट्राइंगल में हमारे पास थ्री एंगल्स हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई एबीडी हमारे पास. हम देखेंगे यहाँ पे AD perpendicular to BC, AD BC पर perpendicular है. तो AD perpendicular to BC और AD भी जो है वह एक राइट ट्राइंगल बन गई. Here ABD is राइट ट्राइंगल. और इस ट्राइंगल में एंगल A 30 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल डी जो है वो 90 डिग्री हो गया. ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे कि ये साइड ए यूनिट है, ये बी सी ए है, तो बी डी जो है वो ए बाई टू हो गया. ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम ए डी कैलकुलेट करेंगे. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम. AD equal to AB square minus BD square का square root. Okay? Pythagoras theorem हम यहाँ पर apply कर रहे हैं और ये आ जाएगा अपने पास AB की value हम put कर लेते हैं. A A square, BD है A upon 2, it's a square and it's a square. Okay? The next step A square minus A square upon 4, it's a square. अब इसको कैलकुलेट करते हैं, दिया जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे 4. मिक्स फ्रैक्शन के तहत या फिर एलसीएम 4 कह रहे हैं हम. एलसीएम 4, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. इट इज 3a स्क्वायर अपॉन 4, इट्स स्क्वायर रूट. फाइनली वी हैव ad इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 ए यूनिट. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 का रूट 3, ए स्क्वायर का 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया. ओके,
अब हमारे पास एबीडी ट्राइंगल की तीनों साइड है हमारे पास ए की टर्म में. इन टर्म्स ऑफ ए वी हैव ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी डी. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री एंगल इज दिस, एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशियो साइन इक्वल टू द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, या फिर यूं कहें कि एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन 30 एंगल ये हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके सामने की साइड है बी डी अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज है ए. बी डी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है ए अपॉन टू, और इसको डिवाइड करना है किससे, हाइपोटेन्यूज यानी ए से. ये बन जाएगा अपने पास a upon 2 multiplied by 1 upon a, a cancel हो गया 1 upon 2, sin 30 degree is 1 upon 2. इसी तरह से हम cos 30 निकाल सकते हैं, कोई भी trigonometric ratio है उसकी value हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखिए cos 30 हम calculate करेंगे, cos 30 degree equal to, cos होता है adjacent upon hypotenuse, 30 degree के adjacent to side है वो अपने पास AD है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज AB है, और इसको हम पुट करेंगे रूट 3 अपॉन 2A डिवाइडेड बाय A, डिवाइडेड बाय A, A अपॉन में लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको हम लिखेंगे रूट 3 बाय 2A मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन A, A से A कट गया, ये आ गया अपने पास रूट 3 अपॉन 2. यानी cos 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 आ गई. इस तरह से टेंजेंट निकालना चाहे हम, टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 30 के सामने की साइड ये है और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बाय रूट 3 आ जाएगा. इसी तरह से हम कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम निकालना चाहें 30 डिग्री पर तो उस रेशियो को पुट करके हम निकाल सकते हैं. अब हम बात करते हैं 60 डिग्री के ऊपर, एक बार इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, और 60 डिग्री के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन वही बात हमारे पास अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 डिग्री के सामने की साइड ये है AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AB, तो AD हमारे पास रूट 3 अपॉन 2A है, और डिवाइड करेंगे इसको AB से, यानी कि A से A अपॉन 1 रूट 3 अपॉन 2A मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन A, ऐसे बन जाएगा ये A से A कट जाएगा रूट 3 अपॉन 2, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2. इसी तरह से cos 60 की, tan 60, हम secant 60, cosecant 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेकर हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके हमने डिस्कस किया कि कैसे हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल, एंड होप यू हैव ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, इफ नॉट प्लीज सब्सक्राइब इट, आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल सो एज मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ माई वीडियोज. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.